हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ साबूदाना का खीर। साबूदाना खीर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले साबूदानों को अच्छे से धो के, दो तीन पानी से धो के, इसको साबूदाना को मैंने एक घंटा पानी में भिगो के रख दिया था। अभी इसको पानी से छान ली हूँ। अभी चलो फिर बनाते हैं साबूदाना का खीर। साबूदाना को अच्छे से दो से तीन मिनट तक इसका फ्राई कर लेंगे घी में। थोड़ा सा खुशबू आने लगे, बस खुशबू आने तक इसको फ्राई करना है। उसके बाद से बताते और घी में फ्राई करके बनाने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अलग सा भी आता है टेस्ट। तो एक बार जरूर आप लोग फ्राई करना, घी में फ्राई करके बनाओ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दो मिनट मैंने साबूदाना को भून लिया है, इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है। तो बस अभी हम इतना ही, ज़्यादा नहीं इसको भूनना है, बस दो मिनट ही सेकना है, बस खुशबू आ जाए और हल्का सा कलर चेंज हो जाए बस। मैंने एक कटोरी साबूदाना से खीर बना ली है। एक कटोरी साबूदाने के लिए मैंने एक लीटर दूध लिया था। अभी मैं दूध को उबलने के लिए रख दी हूँ, फिर उबाल आ जाए उसके बाद फिर हम अपने साबूदाना को डाल देंगे। दूध में उबाल आ गया है, अभी इसमें हम अपने साबूदाना को ऐड कर देंगे। अभी साबूदाना को ऐड कर देंगे इसमें, और साबूदाना डालने के बाद इसको लगातार चलाना है। इसमें एक कटोरी शक्कर ऐड कर देंगे। शक्कर डालने के बाद भी इसको लगातार चलाते रहना है। अभी इसको लो फ्लेम पे करके तीन से चार मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि अपना साबूदाना का खीर बोलते हैं लट्ठा ना पकड़ ले। तो जब लट पकड़ ले उसके बाद फिर इसको गैस बंद कर देंगे। ये देखो अभी बबल्स आ रहे हैं ना, बबल्स आने लगे ना, और साइड से देखो एक इकट्ठा एक जगह दूध आ रहा है ना, और बबल बन रहे हैं ना बड़े बड़े। तो इस टाइम पे ऐसा अगर हो तो समझ लेना चाहिए कि हमारा खीर बन गया है। अब इस टाइम पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी इसको सर्व कर लेते हैं, किशमिश से थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। थोड़ा चौहरा से करती है डेकोरेट, थोड़ा मैंने चौहरा ले लिया है, चौहरा वो किशमिश और बादाम से डेकोरेट कर लिया है। और इधर मैंने केले को बीच से काट के केले से डेकोरेट कर दिया है। और वैसे ये हमारा साबूदाना खीर रेडी हो गया।